चंद्रयान 3 अपनी मंजिल के और करीब पहुंच चुका है। लॉन्च होने के लगभग एक महीने बाद अब चंद्रयान 3 के सारे ऑर्बिट मैनूवर पूरे हो चुके हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा की 5वीं ऑर्बिट में पहुंच गया है और अब चंद्रयान का कोई ऑर्बिट नहीं बदला जाएगा। इसरो के इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजर है और ऐसे में इसरो ने ट्विटर के माध्यम से खुद ये जानकारी दी है कि इंजन को सफलतापूर्वक ऑन करने के बाद चांद की तरफ जाने वाली एक ऑर्बिट को पूरा किया गया। अब दूरी 153.163 किलोमीटर रह गई है। यहां से लैंडर को अलग किया जाएगा और इस मिशन का कैरियर 17 अगस्त से एक और राउंड पूरा करने के बाद अपनी अलग अलग यात्रा शुरू करेंगे। 17 अगस्त का दिन पूरे भारत के लिए काफी बड़ा होने वाला है। इसी दिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100x100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में होंगे। इसके बाद 18 अगस्त की दोपहर लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी उसकी ऑर्बिट की ऊंचाई में कमी लाई जाएगी। 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लैंडर 23 अगस्त को अपने तय समय के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। 6:45 के करीब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। इसरो के इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजर है। इसरो भी इस बार कोई भी चूक करने के मूड में नहीं और इसीलिए उसके बेंगलुरु मौजूद सेंटर टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से लगातार चंद्रयान 3 की सेहत पर नजर रखी जा रही। फिलहाल चंद्रयान 3 के सभी यंत्र सही तरीके से काम कर रहे हैं। बता दें 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। अगर भारत चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कर लेता है तो हम रूस, अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाले चौथे देश बन जाएंगे। वहीं इस मिशन के साथ ही इसरो के नाम पर बड़ी कामयाबी दर्ज हो जाएगी। जो काम अब तक नासा नहीं कर पाया वो इसरो इस मिशन के पूरा होने के साथ कर लेगा। दरअसल चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो दुनिया के पहले देश बन जाएंगे। आपको बता दें कि रूस, चीन, अमेरिका ने अब तक जितने भी मून मिशन किए उन्होंने चंद्रमा के इक्वेटोरियल रीजन में लैंडिंग कराई थी। भारत के चंद्रयान 3 ने मुश्किल लोकेशन को चुना है। पूरे देश को इसरो के इस मिशन पर गर्व है।